मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्विक रेसिपी मुरमुरा चिवड़ा, ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही यम्मी। इसके लिए मैंने 4 कटोरी मुरमुरा लिया है। मिर्च पाउडर, हल्दी, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन ऑप्शनल है, नमक, काला नमक, पीसी हुई शक्कर है, मूँगफली है और ये प्लेन बूंदी है। उसके अलावा ये है कुछ करिया पत्ती, फुटाने और सूखा नारियल है और तेल हम लोग आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैंने आधी कटोरी तेल डाला है। उसके अलावा 1/4 कप मूंगफली डाला है। डाल के क्रिस्पी होते तक या गोल्डन ब्राउन होते तक मैंने फ्राई कर लूँगी धीमी आंच पर। ये अच्छे से फ्राई हो गए, मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब सेम इसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल। सूखा नारियल को भी सुनहरा होते तक धीमी आंच पे हम लोग भुनेंगे। हाई स्पीड पे भुनेंगे तो जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। सूखा नारियल भी फ्राई हो गया, मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ सेम प्लेट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फुटाने, ये 2 टेबलस्पून है। डाल के इनको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करके अब मैं इसे भी सेम उसी प्लेट में निकाल लूँगी। ये मुरमुरा चूड़ा बहुत जल्दी बनता है, इसे आप बना के एयरटाइट कंटेनर में भी रख के 2 महीने तक यूज़ कर सकते हो। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, एज अ टी टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हो या ऐसे ही जब भी भूख लगे तब थोड़ा सा लेके खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैंने एक मुट्ठी करिया पत्ती डाला है। डाल के इन्हें भी हमें एकदम सूखा फ्राई करना है, करिया पत्ती में नमी नहीं रहना है, अदरवाइज जो चूड़ा है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं रहेगा, इसलिए करिया पत्ती को एकदम अच्छे से फ्राई करना है। अब ये भी फ्राई हो गया, मैंने निकाल रही हूँ। निकाल के अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है मैं उसको निकाल ले रही हूँ। निकाल के इसमें मैं केवल 2 टीस्पून ऑयल रहने दूंगी, वो भी नहीं रहने से चलेगा, बट वो ऑयल इसलिए मैं छोड़ रही हूँ ताकि मुरमुरा जब हम भुनेंगे इस ऑयल की वजह से जितने भी मसाले मैं डालूंगी, ड्राई मसाले, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, वो सारी चीज़ें मुरमुरे में अच्छे से लग जाएगी। अगर ऑयल नहीं रहेगा तो अच्छे से चिपक नहीं पाएगी और टेस्ट नहीं आ पाएगा। अब इसको मैंने धीमी आंच पे 2-3 मिनट तक भुना है। उसके बाद आप एक मुरमुरा उठा के ऐसे प्रेस करना, अगर ऐसे पाउडर बन जा रहा है मतलब ये एकदम क्रिस्पी है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी, 1-2 सेकंड तक मैंने इसे भुना है ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो ना लगे। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे गैस से उतार लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ये है जीरा पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून है। मसाले आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 स्पून मैंने काला नमक डाला है, 1/2 स्पून नॉर्मल नमक, 1/2 स्पून पीसी हुई शक्कर। डाल के मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो गया उसके बाद मैं इसमें फ्राई की हुई चीज़ें डाल रही हूँ जिसे हमने फ्राई करके रख लिया था। ये मुरमुरा मिक्सचर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल लगता है। अब मैंने इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि मसाले और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ड्राई बूंदी। बूंदी की जगह आप चाहो तो सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मिक्सचर मिलता है मार्केट में वो वाला। अगर वो नहीं भी डालोगी तो ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, बट बूंदी डालने से टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। अब ये बन गया है, अब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी। अब आप भी ये टेस्टी मिक्सचर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।